ओम शांति। मुरली का तारीख है 13/9/2018। मीठे बच्चे याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे, इसीलिए कभी अपने को मियां मिट्टू नहीं समझना। याद के बल से अंदर में जो कमियां हैं उन्हें निकालते रहना। प्रश्न, सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाप कौन सी चैलेंज करते हैं? उत्तर, बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा समय याद में रहकर दिखाओ, या बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं शुबाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत बढ़ जाएगी, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, परंतु बच्चे भूल जाते हैं, इसके लिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो। डबल सर्विस करनी है, कर्मणा के साथ साथ नरसे नारायण बनाने की भी सेवा करो। गीत धीरज दर मनुआ। ओम शांति। या किसने कहा और किसको कहा? बाप पैठ बच्चों को समझाते हैं, भक्ति मार्ग में या गाया जाता है। जब परमपिता परमात्मा आते हैं वही आकर धीरज देते हैं, और कोई मनुष्य धीरज दे नहीं सकता। तुम जानते हो अब सुख के दिन आएंगे, बाप आए हैं सुखदाम ले चलने, यहाँ है दुखदाम, यहाँ सब भक्ति मार्ग के गीत है। यहाँ तो बाप सम्मुख बैठे हैं, बच्चों को कुछ कहने की दरकार नहीं पड़ती। बच्चे जानते हैं हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, हम सुख की राजधानी स्वयं श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, डिवाइन मत पर चल रहे हैं। एक होती है डिवाइन मत, दूसरी होती है अनडिवाइन मत। डिवाइन मत पर चलना है, डिवाइन मत एक ही होता है जिसे श्रीमत कहा जाता है। अनडिवाइन मत माना असुरी पतित मत, डिवाइन मत माना दैवी पावन मत। श्रीमत और असुरी मत को तुम समझते हो, डिवाइन कहा जाता है पावन को, अनडिवाइन कहा जाता है पतित को। या है ही पतित दुनिया, कोई भी पावन मनुष्य है नहीं। पावन मत देने वाला एक ही पतित पावन बाप है, उनको सब याद करते हैं। पावन सृष्टि सतयुग को, पतित सृष्टि कलयुग को कहा जाता है। यहाँ सब है ही अनडिवाइन, डिवाइन फादर एक होता है। पतित दुनिया में कोई डिवाइन फादर होता नहीं। यहाँ संगम का युग है, यह युग तुम्हारे लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। दुनिया तो समझती है संगम युग आने में बहुत वर्ष पड़े हैं। बाप आते ही है पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने। ऐसे तो वे कुमार और कुमारियां भी डिवाइन पावन है, परंतु फिर पतित जरूर बनना है। विकार से जन्म लेते हैं, इसीलिए इस विकारी दुनिया में कोई डिवाइन नहीं होते। डिवाइन निर्विकारी को कहा जाता है, निर्विकारी होते हैं निर्विकारी दुनिया में, वहाँ है ही वॉइसलेस संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। जबकि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है तो संपूर्ण विकारी दुनिया भी होगी, यहाँ है संपूर्ण अनडिवाइन दुनिया। संपूर्ण डिवाइन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को डिवाइन फादर ने धैर्यवत बनाया है। डिवाइन जीव आत्मा कहा जाता है, सिर्फ आत्मा को डिवाइन नहीं कह सकते। आत्माएं तो निराकारी दुनिया में रहती है, डिवाइन मनुष्य होते हैं पवित्र दुनिया में, या है ही अपवित्र दुनिया। अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया बनाना या निराकार डिवाइन फादर का ही काम है। तुम बच्चों को अब धीरज मिलता है, बच्चे अब सतयुग आ रहा है, सुखदाम स्थापन करने में समय तो लगता है, फट से तो दुखदाम विनाश हो सुखदाम स्थापना नहीं हो जाएगा। तुमको भी देखो कितना टाइम लगा है, पतित सृष्टि कितनी बड़ी है। तुम भी जब लायक बनो ना, तुम खुद ही कहेंगे हम अभी स्वर्ग जाने के लिए पूरा लायक नहीं बने हैं। पूरे लायक बन जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु देह अभिमान बहुतों में होने के कारण समझते हैं हम तो संपूर्ण बन गए हैं, हमको श्रीमत की दरकार ही नहीं, इसीलिए याद नहीं करते।
बाप की याद से ही तो श्रेष्ठ बनेंगे। कोई कह ना सके कि हम निरंतर बाप को याद करते हैं। अंदर में कोई या ना समझे कि हम तो निरंतर याद में रहते हैं। याद में रहते रहे तो बाकी क्या चाहिए। सारा दिन भी कोई याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बड़ा मुश्किल है बाबा की याद में रहना। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुखदाम में राज्य भाग्य लेने लिए। अपने को देखना है। अगर हमारे में बहुत विकार है, कमियां है, तो हम इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। निरंतर याद की दौड़ी लगा नहीं सकेंगे। अपने को मियां मिट्टू नहीं समझना कि मैं तो संपूर्ण हूँ। संपूर्ण होते ही है शिवालय। सतयुग में सारा भारत शिवालय बन जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। मंदिर में राज्य तो नहीं करते हैं ना। शिवालय सतयुग में सब देवी देवताए राज्य करते हैं। फिर पूजा के लिए मुख्य लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाए उनका मंदिर बनाते हैं। पहले नंबर वाले की ही पूजा होती है। अभी उनों के जड़ मंदिर है। चैतन्य में जब राज्य करते हैं तो विश्व के मालिक है। बल है भारत में ही, परंतु है तो विश्व के मालिक ना। और कोई राजाई ही नहीं। हम अभी फिर से अपना डिवाइन राज्य स्थापन कर रहे हैं। पावन दुनिया में जाने के लिए पहले जरूर पावन बनना पड़े। मेहनत लगती है। जहां तक जीना है याद में रहना है। और ज्ञान की वर्षा तो होती ही रहती है। भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण के सिवाय डिवाइन अथवा पवित्र किसको कह नहीं सकते। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं, फिर भी नरक बन जाता है। ड्रामा ही सुख और दुख का बना हुआ है। शंकराचार्य आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं, फिर भी डाल डालिया पुरानी तो होगी ना। सन्यासियों की महिमा है। राम तीर्थ विवेकानंद आदि गाए जाते हैं, क्योंकि शंकराचार्य के पिछाड़ी वाले हैं। नए नए आते हैं तो वहाँ अपना शो करते हैं, परंतु इनको शिवालय तो नहीं कहेंगे। शिव का स्थापन किया हुआ सतयुग एक ही है। मनुष्य इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ सुनने से कोई समझ ना सके। पहले तो सात रोज आकर एम ऑब्जेक्ट को समझना है। और कोई पढ़ाई के लिए ऐसे नहीं कहा जाता कि पहले सात रोज समझो। या एक ही पाठशाला है जहां लक्ष्य दिया जाता है। पहले पहले तो फादर को समझो। बाप कहते हैं, मैं बच्चों की सेवा करने आया हूँ। जो कल्प पहले वाले हैं, वही आएंगे। जब तक निश्चय बुद्धि नहीं बने हैं, तब तक बुद्धि में आएगा नहीं। इसीलिए बाबा पूछते हैं, कहाँ तक निश्चय हुआ है। या कोई गावड़े का सत्संग नहीं है। और सत्संग में तो कहेंगे, फलाना महात्मा गीता सुनाते हैं, फलाना वेद सुनाते हैं। यहाँ कोई महात्मा आदि नहीं है। यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। पहले जब तक निश्चय नहीं, तब तक क्या समझे। वहाँ सत्संगों आदि में समझेंगे। या तो फलाना वेद सुनाते हैं, राज विद्या पढ़ाते हैं। यहाँ तो वेद शास्त्रों अथवा राज्य विद्या की कोई बात नहीं। तुम जानते हो बाबा इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब तक या नहीं समझा है तो क्या करेंगे। और ही वायुमंडल को खराब कर देंगे। या तुम्हारे में भी ऐसे नहीं कि सब शुबाबा की याद में सुनते हैं और समझते हैं। शुबाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। नहीं, शुबाबा की पढ़ाई है। यहाँ कुछ भी समझते नहीं। बड़ा मुश्किल कोई यथार्थ रीति समझते हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा है। या याद हो और सारा दिन बुद्धि में रहे कि हम स्टूडेंट है तो नंबर वन चले जाए, परंतु तुम्हारे में भी नंबर वार है। बाबा कहते हैं, मुझ पढ़ाने वाले को याद करो। मैं ही बाप टीचर गुरु हूँ।
तीनों को इकट्ठा याद करना है। लौकिक संबंध में तो बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। यहाँ एक को ही याद करना है और है बहुत सहज, परंतु माया याद रहने नहीं देती, घड़ी घड़ी बुद्धियोग तोड़ देती है। तुम बच्चे आपस में बैठते होंगे, समझो कोई मशीन चलाते हैं अथवा मक्खन निकालते हैं, तो शुबाबा को याद कर मशीन चलाते हैं। शुबाबा की याद में यज्ञ के लिए मक्खन निकाल रहा हूँ, कितनी खुशी की बात है। यज्ञ के लिए भोजन बनाता हूँ, खुशी होती है ना, परंतु फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर पुरुषार्थ करना पड़े। खुद का एक दो को याद कराने का पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। फिर भी शुबाबा को याद कर भोजन बनाएंगे तो ताकत बढ़ जाएगी, तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाए, परंतु ऐसे होता नहीं है। ब्रह्मा भोजन की तो बहुत महिमा है, परंतु जब आत्मा शुबाबा की याद में रह बनाए, शक्तियों का ऐसा भंडारा हो, याद में रह भोजन बनाए, तब तो शक्ति मिले। वहां भी शक्तियों की बुद्धि में नहीं आता, नहीं तो पुरुषार्थ करे। बाबा को तो दिल होती है, अपने हाथ से शुबाबा को याद करते भोजन बनाऊं, प्रैक्टिस करनी है, देके याद ठहर सकती है। बाबा चैलेंज देते हैं, जो भी भंडारे में है कोशिश करो। बाबा जानते हैं कि एक घंटा भी याद नहीं कर सकते। याद वाले ज्ञानवान हो डबल सर्विस में लग जाए। जब तक कांटों को फूल ना बनाए तो कुछ काम के नहीं, राजाई के लायक वहां बनते जो नरको नारायण बनाने की सर्विस करते। जितना तकदीर में है वहां अपने पुरुषार्थ से तकदीर को पाते रहते हैं। बाप तो सबको कहते हैं कि जितना करेंगे जो करेंगे सो पाएंगे। अपने मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है, याद की ही मेहनत है। बाबा भी बतलाते हैं, मैं बहुत उपाय करता हूँ परंतु हो नहीं सकता, बहुत मेहनत है। मेहनत करते करते अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर साक्षात्कार करते रहेंगे, माया नहीं आएगी। यहाँ बैठे बैठे सब दिव्य दृष्टि से देखते रहेंगे। अभी तो टेलीविजन में देखते हैं, टेलीविजन कोई दिव्य दृष्टि नहीं। विनाश का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार टेलीविजन में नहीं देख सकते। जितना जो ज्ञानी और योगी है उनको तो वैकुंठ की राजधानी देखने में आती रहेगी। बिगर टेलीविजन देके तुम जर्मनी, लंदन आदि देखते रहेंगे। टेलीविजन से या दिव्य चक्षु का साक्षात्कार वंडरफुल है। सच्ची दिल से बाप की सर्विस में लगना है, तब मजा है। बुद्धि भी कहती है बाबा अंत में बहुत कात्री करेंगे। घुमाना फिराना बहलाना या कात्री है ना, ऐसा बनने के लिए लायक भी बनना चाहिए ना। लायक बनाने वाले को याद करने से ही लायक बनते जाते हैं। जितना याद करेंगे और स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा तो फायदा है। बीज को याद करने से जाड़ भी याद आएगा। यहाँ बातें सिवाय तुम्हारे कोई भी समझ ना सके। इस याद और ज्ञान से तुम इतना जमा करते हो, वहाँ या पता नहीं होगा कि या कहाँ से वर्षा मिला है, या तोड़े ही समझते हैं कि या हमारे संगम की कमाई है। बादशाही मिल जाती है, तुम सदा सुखी रहते हो। बड़ी बारी मंजिल है, अभी तुम डिवाइन बनते हो। सारी दुनिया अनडिवाइन है, तुम मनुष्य से देवता डिवाइन बन रहे हो। मनुष्य को देवता बनाने वाला एक ही गॉड फादर है। फादर अक्षर कहना बड़ा सहज है। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग देखेंगे तो उनको बाबा व पिताजी कहेंगे। बूढ़ा बूढ़े को देखेंगे तो बाई समझेंगे। छोटे बड़े को देखेंगे तो बाप समझेंगे। निराकार बाप का तो कोई को पता नहीं, सिर्फ कह देते हैं गॉड फादर। या नहीं समझते कि हम आत्मा है, वहाँ बाप हमारा पिता है, हमारा बाप वहाँ है। बाप जरूर वर्षा देता होगा। अभी तुम जानते हो हमारा बाप हमको वर्षा दे रहे हैं।
इस वर्षे के लिए ही हम बार बार पुकारते थे, प्रार्थना करते थे, अब वही पड़ा रहे हैं। अभी हम प्रार्थना अथवा भक्ति करने से छूटे, बड़े मजे की नॉलेज है। कहते हैं आप हमारे बेहद के बाप हो, फिर हमको छोड़ लौकिक बाप के पास बुद्धि क्यों जाती है? परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता नहीं। खुद ही कहते हैं हमारी तकदीर में राजयोग की बादशाही नहीं है, तो बाबा क्या करे? क्यों नहीं तकदीर बनाते हो? तकदीर बनाने में तो कोई को मना नहीं है, तकदीर में ही नहीं है तो बाबा को छोड़ देते। फिर माया बिल्ली बुद्धि में गोटला डाल देती है, बाप भी क्या करे? माया बिल्ली पर जीत पानी है। काम काज करते शुबाबा की याद रहे तो बहुत फायदा हो जाए। एक मिनट भी याद करने से बड़ा फायदा हो सकता है। एक दो को सावधान करो, फिर कोई माने या ना माने, बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, एक दो को बाप की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों को साथ साथ याद करना है। भोजन बनाते व काते समय याद में जरूर रहना है। सेकंड पॉइंट, सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है। कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान, कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया की किचड़ा से सेफ रहने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। कर्मयोगी अर्थात कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो, किसी भी कर्म का बोझ अनुभव ना हो, किसी भी प्रकार का किचड़ा अर्थात माया का वाइब्रेशन टच ना करे। आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिलता है। कमजोरी को समाप्त करने का साधन है रोज की मुरली, यही शक्तिशाली ताजा भोजन है। मनन शक्ति द्वारा इस भोजन को हजम कर लो तो माया की किचड़े से सेफ रहेंगे। स्लोगन, सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजाने को सफल करना ही महादानी बनना है। अच्छा, ओम शांति।